सो वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं नीरज चोपड़ा को। यस, हमने आउटलाइन पहले ड्रॉ कर ली थी। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी, मतलब कि पार्ट वन नहीं देखा है, तो आप वो जाकर चेक कर सकते हैं। उससे मैंने आपको बताया कि आप आउटलाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, और आज हम इसे ड्रॉ करने वाले हैं कलर पेंसिल के साथ। ओके, सो यहाँ पर जो शीट है मेरे पास, ये एवरी शीट है, क्योंकि कलर पेंसिल मैं हमेशा एवरी शीट ही यूज़ करता हूँ। फाइन, सो रेफरेंस पिक्चर आप देख सकते हैं। आई होप कि अगर आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं तो आपने आउटलाइन ड्रॉ कर ली होगी। फाइन, सो कौन सी पेंसिल हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, शो कर देता हूँ कि कौन सी पेंसिल के साथ हम ड्रॉ करने वाले हैं इस ड्रॉइंग को। ओके, सो यहाँ पर हम ड्रॉ करने वाले हैं कैमिलन ट्राइंगुलर कलर पेंसिल के साथ। तो इसमें 24 शेड्स हैं एंड काफ़ी ज़्यादा चीप पेंसिल है, कोई ज़्यादा इसमें मतलब महंगी नहीं है ये पेंसिल। तो इसका मैंने रिव्यू भी दिया हुआ है, आप वो भी चेक कर लेना। अगर प्राइस की बात करें तो 200 रुपीज़ जस्ट ओनली इसका प्राइस है, मतलब लगभग 160 या 170 के करीब मुझे ये सेट मिला था। ओके, सो हम इससे आज ड्रॉ करने वाले हैं नीरज चोपड़ा को। तो कौन कौन से शेड हम यूज़ करेंगे पहले, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो इस पिक्चर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से शेड है जो स्किन कलर के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें यहाँ पर जो जो शेड है वो हम निकाल लेते हैं, पहले ही उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। फाइन, सो फर्स्ट यहाँ पे जो शेड मुझे ज़्यादा सबसे बढ़िया लगता है, जिसको मैं फर्स्ट लेयर में मतलब कि बेस लेयर में यूज़ करता हूँ, वो मैं यूज़ करता हूँ पीच कलर। ओके, सो यहाँ पर पीच कलर है तो काफ़ी अच्छी बात है, बेस लेयर हम इससे ही देने वाले हैं। ओके, सो बेस लेयर के बाद यहाँ पे और भी हम कलर को सिलेक्ट करते हैं, कौन कौन से कलर को, क्योंकि मिक्स करना पड़ता है तो ही हम अच्छे से इंप्रेशन वगैरह दिखा सकते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे ये मेहंदी सा कलर है, क्योंकि इस पर सबसे बुरी बात यही लगती है पेंसिल्स की कि यहाँ पे नेम मेंशंस नहीं होते हैं, जिससे कि आसानी हो जाए आपको बताने में। एंड यहाँ पर हम ऑरेंज कलर भी निकाल लेते हैं, ऑरेंज कलर भी यूज़ होता है स्किन टेक्स्चर के लिए। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पर ये ब्लैक कलर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो होगा ही होगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पे हम यहाँ पे ब्राउन कलर ले लेते हैं, ठीक है। एंड अभी के लिए यही हम यहाँ पे शेड लेते हैं। सो बाकी देखते हैं कौन कौन से शेड हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हम वो निकाल लेंगे। ओके, सो ये शेड्स हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं। फाइन, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो यूज़ करने वाले हैं बेस लेयर के लिए, वो है पीच कलर पेंसिल। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम यहाँ पे हमेशा आई से ही करते हैं, जैसे कि आपको मेरे बारे में पता होगा, मैं हमेशा आई से स्टार्ट करता हूँ। सो जो मैंने यहाँ पे ग्रेड बनाए हुए थे वो मैंने इरेज़ कर दिए हैं, ज़्यादा मतलब हल्के हल्के इरेज़ किए हैं। पहली बात तो मैंने लगाए ये लाइट थे, अगर आपने डार्क लगाया तो उसको अच्छे से इरेज़ ज़रूर कर लेना, नहीं तो लाइंस बीच में दिखती हैं। फाइन, सो यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ सबसे पहले बेस कलर पेंसिल। ओके, सो मैं अच्छे से यहाँ पे, जैसे कि मैंने पहले अच्छे से ग्रिड साफ़ नहीं किए थे, तो मैं साथ साथ साफ़ इरेज़ करता जाऊँगा। ओके, सो यहाँ पर जो मैं फर्स्ट पेंसिल यहाँ पे जो यूज़ कर रहा हूँ, वो डायरेक्शन देखना मैं किस तरफ से लेकर जा रहा हूँ, मैंने पेंसिल को होल्ड कैसे किया हुआ है। मैं यहाँ पे राइट साइड अपवार्ड की तरफ डायरेक्शन जो है मेरी जा रही है, या आप कह सकते हो लेफ़्ट साइड डाउनवार्ड की तरफ। ओके, सो बीच बीच में मैं यहाँ पर राउंड भी पेंसिल को यूज़ करूँगा, ठीक है। सो क्योंकि आपको पता है ये ब्लेंडेबल पेंसिल नहीं है, चीप पेंसिल है, तो ये ब्लेंडेबल पेंसिल नहीं है। इसको ब्लेंड करने के लिए, मतलब एक्चुअल में यहाँ पे मैं ब्लेंड नहीं करने वाला हूँ, जस्ट ओनली शेड देने वाला हूँ, या आप रेंडरिंग भी कह सकते हो। सो मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आते हैं, जैसे कि मैंने पहले काफ़ी ट्यूटोरियल्स अपलोड किए हुए हैं, उस पर कमेंट आते हैं कि इतनी स्मूथ शेडिंग कैसे हो जाती है। सो गाइस, यहाँ पर जो मैं यूज़ करता हूँ टेक्निक, वो मैं रेंडरिंग टेक्निक यूज़ करता हूँ। ओके, सो रेंडरिंग टेक्निक में क्या है, हमें ज़्यादा पेंसिल को घिसना नहीं होता है, हमें जस्ट ओनली छोटे छोटे पार्ट्स को लेकर कवर करना होता है, मतलब कि आप ये भी कह सकते हो कि छोटे छोटे स्ट्रोक हमें लगाने होते हैं, तो इसलिए वो स्मूथ लगती है। अगर हम बिल्कुल जूम करके देखें तो आपको साफ़ टेक्स्चर नज़र आएगा उसका, बट अगर हम दूर से देखेंगे तो वो बिल्कुल स्मूथ ही लगेगी। जैसे ये भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये स्मूथ ही लगेगी जब हम इसको यहाँ पे जितना भी आज के हम लेसन में ड्रॉ करने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे आई को कवर कर लेता हूँ, आई के हम सभी साइड्स में मैं यहाँ पे बेस लेयर दे रहा हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे प्रॉपर आई ड्रॉ करेंगे, ब्लैक पेंसिल का यूज़ करेंगे, जिसमें हम ब्राउन शेड को भी मिक्स करेंगे साथ साथ।
फाइन। सो अभी हम यहाँ पे आई ड्रॉ करते हैं, मतलब कि इरीज एंड आई बोल वाला पार्ट हम कंप्लीट करते हैं। आई लैशेज भी दिख रही हैं। सो फर्स्ट यहाँ पे आप देख रहे हो मैं पर्पल शेड का यूज़ कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा पर्पल शेड आ रहा है। आपको यहाँ पे ब्लैक दिख रहा होगा यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन में, क्योंकि ब्राइटनेस की वजह से आपको ब्लैक दिख रहा होगा, बट आप एक्चुअल में पिक्चर आपने डाउनलोड की होगी, आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल गया होगा, तो वहाँ पर हल्का सा पर्पल कलर है, बिल्कुल हल्का सा लाइट सा दिखता है। तो पहले हम ये यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बाद हम यहाँ पे ब्लैक शेड का यूज़ करने वाले हैं। फाइन से यहाँ पर आई आप देख सकते हो, बट अभी ये कंप्लीट नहीं है, ओके, क्योंकि यहाँ पे अभी आईब्रोज भी रहती हैं एंड साथ साथ जो डार्क सर्कल्स होते हैं वो भी हमने ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पर मैं ये जो मेरे पास पेंसिल ये लाइट ब्राउन शेड है, तो इसके साथ मैं हल्की हल्की यहाँ पे शेड दे रहा हूँ आईज़ के बिल्कुल पास में, जैसे कि आप देख सकते हो। सो हर एक शेड्स, मतलब कि पहले तो पिक्चर को ऑब्जर्व करना है, जैसे जैसे हमें शेड्स दिख रहे हैं वैसे वैसे हमें शेड्स करना है, बट ये भी ज़रूर ध्यान रखना है कि उसे आपस में मर्ज करना है। अगर मर्ज नहीं करेंगे तो वो रियलिस्टिक नहीं लगेगा। सो इसके साथ साथ मैं यहाँ पे हल्का सा पिंक शेड भी यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हल्का सा पिंक शेड भी होना चाहिए, मुझे लग रहा है रेफरेंस पिक्चर में। सो एज़ यू नो, जैसे कि बेस लेयर मैंने यहाँ पे पीच का पेंसिल से दी है, एंड यहाँ पे जो मैं नेक्स्ट लेयर यहाँ पे दे रहा हूँ आईज़ के जो आईब्रोज़ के पास, ये मैं दे रहा हूँ ब्राउन के साथ, ताकि ये पार्ट डार्क लगे जैसे कि रेफरेंस पिक्चर में हमें दिख रहा है। सो नाउ अब हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं आईब्रो, ओके। सो काफ़ी इजी है, एंड आप देख सकते हो मैंने आईब्रोज़ की यहाँ पे जो मैंने शेप ड्रॉ की हुई, इसके ऊपर भी मैंने पहले से ही जो कि बेस लेयर जिससे हमने दिया था वो मैंने शेड कर रखा है, एक सिंगल लेयर बिल्कुल हल्का हल्का, तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे ब्लैक पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ आईब्रो ड्रॉ करने के लिए। ओके सो जैसे कि देख सकते हो आईब्रो हमने कंप्लीट कर लिए, एंड इसके साथ भी हमने आईब्रो को अच्छे से स्किन के साथ मर्ज करना होता है, तो हमें बार बार देखना पड़ेगा, हमें थोड़ा माइंड भी लगाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि हमें कहाँ पे और शेड लगाने की ज़रूरत है। जैसे आईज़ की पास अभी भी यहाँ पे हमें ब्राउन शेड और करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पर डार्क करना पड़ेगा। ओके सो मैं अगेन यहाँ पर फिर से एक लेयर जहाँ पर ज़रूरत है वहीं वहीं पर मैं ब्राउन पेंसिल का ब्राउन शेड का यूज़ कर रहा हूँ। सो सेम ऐसे ही हमने शेड करना है, लेयर बाय लेयर चलना है। ओके सो जैसे कि बेस लेयर मैं पीच पेंसिल के साथ लगा रहा हूँ, एंड जो नेक्स्ट लेयर डार्क करने के लिए मैं हल्का ब्राउन कलर यूज़ कर रहा हूँ। ओके सो यहाँ पर जो चीक पार्ट है एंड फोरहेड पार्ट है वो भी हम ऐसे ही शेड करने वाले हैं।
ओके सो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे हल्का चिन पार्ट भी कवर किया है एंड फोरहेड पार्ट कवर किया है जस्ट बट ओनली हाफ। ओके सो आज की इस वीडियो में मेरा मतलब मेन मकसद यही है कि हम यहाँ पे हाफ फेस ड्रॉ करेंगे। ओके सो यहाँ पर मैं अभी जो नोज़ पार्ट हम यहाँ पे थोड़ा कवर कर लेते हैं, नोज़ का जो होल पार्ट है तो इसमें जो फर्स्ट लेयर मैं लगा रहा हूँ ये डार्क ब्राउन से लगा रहा हूँ एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके ऊपर ही ब्लैक पेंसिल का यूज़ करने वाले हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे होल पार्ट को कवर करेंगे, सीधा ब्लैक पेंसिल यूज़ नहीं कर रहे हैं, पहले हम यहाँ पर ब्राउन पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं डार्क, फिर इसके ऊपर हम यहाँ पर ब्लैक पेंसिल का यूज़ करने वाले हैं। सो सेम ऐसे ही नोज़ पे शेडिंग करनी है एंड जो भी हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं सेम बेस लेयर हमने पीच पेंसिल के साथ ही लगाना है। नेक्स्ट डार्क के लिए हमने यहाँ पे ब्राउन पेंसिल का यूज़ करना है, तो पूरे फेस में हम ऐसे ही चलने वाले हैं। फाइन सो यहाँ पर जो हाफ़ फेस है वो हमने कवर कर लिया है, बेस लेयर लगा दिए, जस्ट ओनली बेस लेयर लगाई है हमने यहाँ पे, अभी ब्राउन पेंसिल का यूज़ नहीं किया है। वो क्यों नहीं किया है, क्योंकि जो चिन पार्ट है वहाँ पे हल्की बियर्ड है, तो हल्की बियर्ड के लिए हम वहाँ पे ब्लैक पेंसिल का यूज़ करने वाले हैं। तो बियर्ड से पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं मस्टैचेस, और मस्टैचेस ये कैसे ड्रॉ करनी है, ये बिल्कुल हाई मतलब भरी भरी मस्टैचेस नहीं है, जस्ट ओनली छोटे छोटे स्ट्रोक लगाने हैं और डायरेक्शंस को अच्छे से ध्यान रखना है कि किस डायरेक्शंस में ये हेयर्स हैं। थोड़ा जूम कर लेना पिक्चर को जिससे कि आपको अच्छे से पिक्चर को ऑब्जर्व कर पाओगे एंड ड्रॉ कर पाओगे। एंड लिप्स के लिए यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ लाइट पिंक कलर का, एंड इसके साथ साथ थोड़ा डार्क पार्ट दिखाने के लिए, जैसे जो लिप्स के स्टार्ट एंड एंड पॉइंट है वहाँ पे डार्क होता है थोड़ा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बीच में हल्का सा ब्राउन शेड भी मिक्स करूँगा जिससे डार्क पार्ट लगेगा। फाइन सो अभी मैंने लिप्स के ऊपर डिटेल वर्क नहीं किया है, अभी वो बाद में करेंगे। ओके सो मैं यहाँ पे एक और लेयर लगा रहा हूँ, थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ बेस लेयर के साथ ही, जो हमने पहले लेयर लगाया वो मैंने थोड़ा लाइट लगाया था, बट मैं इसको थोड़ा डार्क कर रहा हूँ सेम पीच पेंसिल के साथ ही। एंड अगेन हम यहाँ पर बियर्ड कैसे ड्रॉ करेंगे, सेम वैसे ही जैसे हमने मस्टैचेस ड्रॉ की है, जो छोटे छोटे हमें स्ट्रोक लगाने हैं बियर्ड्स के लिए, जैसे कि रेफरेंस पिक्चर में देख सकते हो काफ़ी हल्की बियर्ड है, ज़्यादा भारी बियर्ड नहीं है, तो हमें पेंसिल को जो ब्लैक पेंसिल हम यूज़ करने वाले हैं उसको ज़्यादा हार्डली यूज़ नहीं करना है, सॉफ्टली यूज़ करना है एंड छोटे छोटे डॉट्स एंड स्ट्रोक्स लगाने हैं।
एंड आपने साथ साथ नोटिस किया होगा कि मैं साथ साथ हल्की हल्की शेडिंग भी कर रहा हूँ। ओके सो यहाँ पर हमने स्ट्रोक लगा दी है, बीयर ड्रॉ कर रही है। अब यहाँ पे मैं ब्राउन पेंसिल का यूज़ करने वाला हूँ हल्की हल्की शेडिंग करने के लिए। थोड़ा सा जो डार्क एरिया है ना, जैसे कि जो लाइन पे आप देख सकते हो डार्क पार्ट है, वैसे हम यहाँ पे वैसे ज़्यादातर जो डार्क पार्ट है वो नेक पे है, बट हल्का हल्का हम यहाँ पे जो लाइन पे भी डार्क करना है। तो यहाँ पे मैं ब्राउन पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ डार्क करने के लिए, हल्की फुल्की यहाँ पे शेडिंग करने वाले हैं। सो लिप्स पे भी मैं यहाँ पे एक और लेयर कर रहा हूँ इसको डार्क करने के लिए। एंड जो सेंटर लाइन होती है उसको मैंने ब्लैक पेंसिल से, जैसे कि आपने देखा, आउटलाइन किया है ताकि ऊपर वाला और नीचे वाला लिप्स दोनों अलग अलग लगे, जैसे कि रेफरेंस पिक्चर में देख सकते हो। और यहाँ पे हल्के हल्के मैं हेयर्स भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, जस्ट ओनली प्रॉपर हेयर्स नहीं ड्रॉ करने वाले, जस्ट ओनली फर्स्ट लेयर यहाँ पे मैं हेयर्स ड्रॉ कर रहा हूँ। टोटली ब्लैक हैं एंड बीच में हल्का सा ऊपर की साइड ब्लू शेड नज़र आ रहा है, तो ब्लू शेड हम आज की वीडियो में नहीं देने वाले। आज जस्ट ओनली हल्का हल्का मैं यहाँ पे हेयर्स ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया है हाफ फेस, और बट यहाँ पे हेयर्स जो है वो प्रॉपर कंप्लीट नहीं किए हैं, वो कल की वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके सो हाफ फेस कंप्लीट है, तो ऐसे ही हम यहाँ पे जो सेकंड वाला पार्ट रह गया है, जो कि हाफ फेस रह गया है, हम उसे भी सेम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पर जो जो पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, जैसे कि ब्लैक है, पिंक है, पीच कलर यूज़ किया है, ब्राउन शेड यहाँ पे दो दो है, एक लाइट है एक डार्क है। ओके सो ऑरेंज मैंने भी ऑरेंज कलर निकाला था, बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है। यहाँ पर हमने जस्ट 5 पेंसिल का यूज़ करके इतना हमने ड्रॉ कर लिया है। सो नेक्स्ट भी हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे इन्हीं पेंसिल का यूज़ करके। ओके सो गाइज, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना एक, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि अभी तक जितना बना है कैसा बना है। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।